मैं इनसे पहली बार मिला था एयरपोर्ट में, धीरे धीरे अब दोबारा दोबारा मिल रहे हैं और अब हमारी शूट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बिकॉज जब मैंने ऑडिशन देखा था तो उस टाइम पे मुझे लगा था दैट शी इज अ पंजाबी ओनली, बहुत ही एक चिल्ड आउट सा एकदम शांत स्वभाव का बंदा है, वो हीर को लेके कुछ भी कर सकता है। हीर के बहुत अलग शेड्स दिखने मिलेंगे थ्रू आउट हर जर्नी। इट इज अ वेरी डिफरेंट लव स्टोरी, आई डोंट थिंक अभी ऐसी कोई लव स्टोरी आई है। हाय दिस इज अविनेश रेखी। हाय दिस इज तनीषा मेहता। एंड यू वाचिंग अस ऑन टेलीजेस्का। Hi. Congratulations for the new show. Thank you. So, क्या experience share करना चाहेंगे? Like first meet का या जब promo shoot कर रहे थे first time उसका? It was a very beautiful experience. मैं इनसे पहली बार मिला था एयरपोर्ट में, थोड़ी सी बात हुई थी हमारी, उसके बाद फिर directly next day we started shooting. और उसके बाद शूटिंग में भी बहुत कम थोड़ा सा समय मिला था सिर्फ साथ में बिताने को, बिकॉज आई वॉज देयर शूटिंग ओनली फॉर हाफ डे, शी वॉज शूटिंग थ्रू आउट द होल डे एंड द नेक्स्ट डे। सो बट अब धीरे धीरे अब दोबारा मिल रहे हैं और अब हमारी शूट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तब फिर रोज़ मिलते रहेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो मोर अबाउट ईच अदर। मैं आई बी ऑनेस्ट, मैं तो काफ़ी नर्वस थी। आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एक्टर कम्पेयर टू मी, तो मुझे ऐसा लगा था कैसे होंगे फिर कैसे बात करेंगे, बट ही वॉज वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, बहुत हम्बल थे, तो बहुत अच्छा लगा मिल के। शी वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट ऑब्वियसली, when I met her she was, but she was all, you know, she was very exhausted and tired. Yeah, it was because definitely not a good impression from my side. No, but it wasn't a good impression, as in like when I met her she spoke very nicely and then I told her about the whole story, we were discussing everything. So yeah, and then she told me that she's also half Gujarati half Marathi, and I got really surprised because when I auditioned dekha tha to us time pe mujhe laga tha that she's a Punjabi only. Thank God. So what? नहीं, छोटा सा प्रोमो था और इतना तो कुछ प्रोमो ही शूट किया हाँ, हमने पंजाब और सिर्फ अमृतसर हम शूट करने गए हैं अभी फिलहाल, तो अभी तक हमारा और कहीं पर कुछ शूट नहीं शुरू हुआ। तो काफी अच्छा रहा था, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू पंजाब अगेन, होपफुली और मजा आएगा पंजाब में शूट करने का। या ऑफ कोर्स पंजाब की स्टोरी है। जी इनको तो काफ़ी बार तो मौका बहुत बिजी मिला। थी मतलब मौका तो नहीं मिला, बट आई मेड टाइम एंड आई वेंट, क्योंकि यस आई वेंट सेकंड डे लास्ट में आई वेंट, शूट खत्म करके आज तो मैं जाऊंगी, सो आई वेंट। अमृतसर जाओ और गोल्डन टेंपल ना देखो, सो एग्जैक्टली, बट व्हेन आई वेंट इट वाज वेरी क्राउडेड बिकॉज गुरुपुरब था, और जब मैं पहुंचा तब तक वो रात को वो लोग सुखासन साहब करते हैं तो बंद हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं जब पहुंचा तब तक बंद हो चुका था, बट फिर भी मैंने बाहर से वो परिक्रमा कर ली और मत्था टेक के फिर आई केम बैक। ओके, अविनेश आप छोटी सरदारनी में प्ले कर चुके हैं पंजाबी कैरेक्टर, तो तब से लेकर अब तक आपको शायद टर्बन एंड एवरीथिंग की आदत हो गई होगी, तो वो क्या शेयर करना चाहेंगे लाइक फैंस को? वो लुक तो मिलेगा ही लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट है, तो उस बारे में थोड़ा कुछ ऑफ कोर्स बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है इसमें, दिस लुक विच आई एम डोनिंग राइट नाउ इज़ नॉट द प्रॉपर लुक विच इज़ गोना बी इन द शो, तो ये भी एक पार्ट होगा मेरी लुक का, बट इट्स गोना बी इन द लेटेस्ट स्टोरी, तो उससे पहले जो मेरी एक लुक है वो अभी तक मतलब इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड, और वो वहाँ से मेरा जो स्टोरी का पूरा वो प्रोसेस शुरू होता है एंड हाउ ही इज़ इन लाइफ, बहुत ही एक चिल्ड आउट सा एकदम शांत स्वभाव का बंदा है, ही इज़ गॉट OCD, उसको सफाई पसंद बहुत ज़्यादा है एंड ही इज़ वो हीर को लेके कुछ भी कर सकता है, हीर के लिए बिकॉज हीर ने उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत मदद की है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ वेरी यू नो वेल, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, इज़ एंड ऑफन यू नो ब्रॉट अप इन गुरुद्वारा, एंड दो हीर इज़ हिज वेरी गुड फ्रेंड, तो हीर ने बहुत मदद की है उसकी लाइफ में, तो उस ही इज़ वेरी इंडेटेड टू हर इन टर्म्स ऑफ दैट, तो फिर वो उसको हमेशा एज अ बहुत अच्छा दोस्त लेके चलता है एंड ही इज़ द ट्रू सपोर्टर ऑफ हीर थ्रू आउट द स्टोरी। माई कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको हीर के बहुत अलग शेड्स दिखने मिलेंगे थ्रू आउट हर जर्नी, राइट? शी विल स्टार्ट ऑफ लाइक
मतलब शी हैज़ अ सॉफ्ट साइड टू हर, शी वॉन्ट्स टू डू वेल फॉर अदर्स, दूसरों की मदद करनी है एंड उसको एजुकेशन भी कंप्लीट करना है. सो देर आर लॉट ऑफ शेड्स, आगे जाके उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, तो हाउ शी हैंडल्स इट एंड हाउ रांझा सपोर्ट्स हर. एंड मैं आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ एज सच कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वट एवर शी लर्नस इट्स थ्रू रांझा, है ना, रांझा सपोर्ट्स हर एंड दैट इज़ हाउ वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मतलब हियर इज बेसिकली द basically she's driving the story throughout and she's supposed to be a very strong character. There are so many layers right from the beginning till the journey follows. Matlab har jagah pe heer ke itne sare changes hain and how she overcomes, matlab it's going to be a very very challenging task for her. Promo bhi launch hoga, aapko promo mein hi wo characteristics dekhne milenge, wo transition dikh jayega, and once you will see the promo you will realize that how the transition is, and she's also done a wonderful job. You know, प्रोमो जब करते हैं ना तो एक छोटा सा 30 सेकंड 45 सेकंड में यू हैव टू पोर्ट्रे द होल स्टोरी, तो वो स्टोरी में जितने सारे पूरे कैरेक्टराइजेशन वो सेट है और वो जो ट्रांजिशंस हैं वो यू विल सी एंड इट्स अमेजिंग. एंड एस्पेशियली जब आपके पास खुद वो नॉलेज नहीं है अबाउट द कैरेक्टर, नीदर यू आर फ्रॉम द सेम कल्चर एंड यू हैव टू अडैप्ट टू इट. या सो वेरी, बट ही हेल्प्ड मी थ्रू आउट अ लॉट, सो दैट वाज गुड. See, obviously the content of the story is very strong. As far as, you know, everybody tries to show something different, something unique to the audience. So we also trying कि भाई हम कुछ अलग दिखाएँ और कुछ अलग पोर्ट्रे करें. तो लव स्टोरीज़ का जो एसेंस होता है इट इज़ ऑलवेज द सेम, बट उसके जो उसका जो अंदर के जो सोल होती है ना, दैट रिमेन्स द सेम. बट थ्रू आउट वॉट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरी, जो जो मतलब थोड़े थोड़े न्यूएंसेज हैं इधर उधर, that you know that makes the story a little different. Yeah, yeah. So iski jo characterization, it's not only a love story of Heer Ranjha, it is also the journey of this girl who, you know, who fights with all those obstacles, as kaise uski journey hai proper aur uske beech mein how Ranjha supports her, it's everything is very beautiful. It is a very different love story. I don't think abhi aisi koi love story aayi hai, abhi tak to nahi aayi hai, matlab isme to bahut challenges hain and there is everything yaar. This show promises like entertainment, drama, जो भी आपको चाहिए, सस्पेंस, लाइक एवरीथिंग, इट्स थ्रिलिंग आल्सो, यू नो, वो जो रात को वो जो बिजली का कड़कना वाला सीन वाला वो इफेक्ट होता है ना, वैसी वाली चीज़ें भी हैं. और वो जो ब्राइटनेस ऑफ द शो होती है, फूल और ये सारा कुछ, और वो अच्छी अच्छी वादियाँ, एवरीथिंग दैट इज़ ऑल्सो देयर. मतलब यू विल सी एवरीथिंग एंड दैट ऑल्सो विद अ ब्यूटिफुल स्टोरी बिहाइंड दैट, सो यू विल जस्ट लव इट एंड पीपल आर गोना गो क्रेजी आफ्टर वॉचिंग इट, आई एम श्योर.